नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 50 Pro 5G versus Vivo Y28s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में 6.35 इंच जबकि Vivo Y28s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में 2.85 इंच जबकि Vivo Y28s में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Edge 50 Pro 5G में 0.32 इंच जबकि Vivo Y28s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Edge 50 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Edge 50 Pro 5G में 186 ग्राम जबकि Vivo Y28s में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में PoLED जबकि Vivo Y28s में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि Vivo Y28s में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Edge 50 Pro 5G में 1220x2712px FHD+ और Vivo Y28s में 720x1612px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Edge 50 Pro 5G में 92.85% जबकि Vivo Y28s में 84.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Edge 50 Pro 5G में 444 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y28s में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Edge 50 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y28s की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Edge 50 Pro 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y28s की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Edge 50 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y28s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में Adreno 720 जबकि Vivo Y28s में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 और Vivo Y28s में MediaTek Dimensity 6300 मिलता है। बात करें RAM की तो Edge 50 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo Y28s में 1 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Edge 50 Pro 5G में 256GB जबकि Vivo Y28s में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Edge 50 Pro 5G में नहीं है, जबकि Vivo Y28s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Edge 50 Pro 5G में 4500 mAh जबकि Vivo Y28s में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो H50 Pro 5G में 4 कलर्स जबकि Vivo Y28s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो H50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y28s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Motorola H50 Pro 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y28s 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में H50 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में H50 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Google Pixel 8a 5G है, तीसरा Motorola H50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।